दिल्ली के बंगोलपुरी में हत्या की कैसी वारदात सामने आई जिसे सुनकर पत्थर दिल भी कांप उठे। घर में घुसकर बीजेपी के युवा कार्यकर्ता को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। नौजवान रिंकू शर्मा को बचाया नहीं जा सका, लेकिन हत्याकांड पर सियासी शोले अब भी भड़क रहे हैं। आपसी रंजिश मान रही है इसे पुलिस, तो परिवार का यह कहना है कि राम मंदिर से जुड़े रहने और राम यात्रा निकालने के बाद से तनाव वहां पर था और अब इस पूरे मामले में नेता भी कूद पड़े हैं। बीजेपी से लेकर वीएचपी तक ने इसे राम मंदिर निर्माण के चंदे से जोड़कर देखा है। वारदात के दिन का वीडियो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये आरोपी हैं जो इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। एरो के जरिए तीन लोग आपको पहले जाते हुए दिखाई दिए, उसके बाद तीन और लोग रिंकू शर्मा के घर में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाठी और डंडों से लैस ये लोग जिन्होंने रिंकू शर्मा की पीट पीट कर हत्या कर दी। परिवार वालों का ये आरोप है कि राम मंदिर चंदे को लेकर ये विवाद काफी लंबे वक्त से चल रहा था और आपसी रंजिश का ये मामला नहीं है। जैसा कि पुलिस बता रही कि आपसी रंजिश थी दोनों गुटों के बीच में, रिंकू शर्मा के साथ यही वजह थी हाथापाई की। मंगोलपुरी की घटना, उस वक्त का वीडियो फुटेज एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं इस वक्त आज तक पर। 10 फरवरी के इस वीडियो में हत्या का पूरा सच छुपा हुआ है। चाकू से गोद कर रिंकू शर्मा को मार डाला गया। कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको बस। आप तो वीडियो में दिखा, रोकने की बहुत कोशिश की आपने। सर नहीं रोका, उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं, मेरा कमाने वाला वही था सर घर में। पूरे घर का खर्चा वही चलाता था सर। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी, उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया। और दो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर, इनको नौकरी दो, कुछ भी दो, इंसाफ करो सर। जैसे मैं रो रही हूँ उसके माँ बाप भी रो, वो 30-40 जने, मेरा बेटा अकेला। 30-40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए, मास्क लगा रखे, किसको गिनती, मेरे को रोने में लग रही, माँ रोना ही था। छोटे बच्चे को भी मेरे से फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा, वो तो चारों को मारने आए थे हमारे, आए तो पांचों को थे, छोटा वाला मेरा घर में नहीं था, हमें तो पांचों को मारने आए थे वो। सिलेंडर खोल दिया सर, मेरा फ्री कौन खोल के ले जा रहा था सर, मैं नाम नहीं जानती, कितने जने थे किसको जानू, मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए, मार दिया उसको जान से बस सर, और कुछ नहीं। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें चार लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे कार्रवाई हम कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा इस पूरी वारदात पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पुलिस का जो वर्जन है उसके मुताबिक रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद ये पूरी घटना हुई, रिंकू शर्मा की जान गई, लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं कि लंबे वक्त से ये विवाद चला आ रहा था, उनका इकलौता कमाऊ बेटा था और अब परिवार की मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले, फांसी पर उन्हें लटका दिया जाए। क्या है पूरा सच, परिवार वालों का जो वर्जन है या पुलिस का जो वर्जन है? देखिए, परिवार वालों का ये कहना है, जो हमने बात की, हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यही वो गली है जिसमें रिंकू का घर है। रिंकू का घर आप सामने जहाँ पर आप सफ़ेद रंग का आप कपड़ा देख रही हैं वहाँ पर वो रिंकू का घर है, जबकि उससे थोड़ा पहले ही ये जो घर है, ये जो आप देख रही हैं जहाँ पे एसी लगा, ये आरोपी का घर है। बताया जा रहा है कि पहले भी बातचीत थी, हालांकि रिंकू के भाई मना कर रहे हैं, पहले भी इनके आपस में बातचीत थी और एक बार रिंकू ने
इनकी परिवार को, जो आरोपी परिवार है, उनको ब्लड भी दान में दिया था, खून भी दी थी जब जरूरत पड़ी थी, तो इस तरीके का रिलेशन था। लेकिन इनका कहना है कि जब समर्पण यात्रा शुरू हुई थी राम मंदिर को लेकर के, तो उस दौरान आरोपियों ने कमेंट करना शुरू किया था और उसके बाद से ये लगातार कमेंट करते रहते थे। लेकिन पुलिस का जो कहना है वो अलग है। पुलिस का कहना है कि ये झगड़ा शुरू हुआ बर्थडे पार्टी से और उसके बाद ये झगड़ा घर तक पहुंचा और यहाँ पर वो लोग पहुंचे तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का वक्त। आप देखिए अभी भी यहाँ पर भीड़ है और वो घर के अंदर घुसे, जिससे जुड़े कई वीडियोज भी सामने आ चुके हैं और उसके बाद मारपीट हुई। माँ का कहना है कि उनकी कोशिश थी, वो सिलेंडर भी ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। पुलिस ने जो कंप्लेन दी गई थी उस पे FIR दर्ज करके 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पुलिस बाकी सारी चीजों से साफ इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो मामला था वो क्राइम का था और उस पे हमने एक्शन लिया, आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन घर वाले अलग आरोप लगा रहे। उनका कहना है कि ये मामला पहले से जो दो विवाद था वो चला आ रहा था, अगल बगल का घर है और इस मामले को लेकर के आसपास के लोग भी, आप देखिए यहाँ पर काफी संख्या में नेहा जुटे हुए हैं, लगातार यहाँ पे लोगों का भी आना जाना शुरू हो चुका है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पुलिस का ये भी कहना है कि वो जो पुरानी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो हर एक आरोप की तफ्तीश से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के।